सब्जियाँ हो, ताजी हो जबरदस्त हो करारी हो और फ्री हो और घर की छत के ऊपर हो इंटरेस्टिंग <laughs> है ना मैं लाहौर के एक ऐसे शहरी की बात कर रही हूँ कि इन्होंने सब्जियां मुफ्त में इस्तेमाल करने की ठानी कुछ इस तरह का इनके जहन में था और इसकी वजह यह कि उन्होंने अपने घर की छत को बाग में बदल के रख दिया है मजीद साहब को आ, ये ये जो उनका आइडिया नहीं चाहते फौरी तौर पे कॉपी पेस्ट कर लिया जाए ना कहीं से लगती है छत है इट लुक्स लाइक अ लॉन लॉन है जैसे तो भाई ऐसा ऐसा लॉन होना चाहिए ऐसी छत होनी चाहिए ऐसा धोखा होना चाहिए और फिर बिना धोखे के अच्छी सी सब्जी आपको मिलेगी वो आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसी खाद इस्तेमाल की आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसा पानी डाला है आपको पता होगा कि आपने इसको सेहत के कितना करीब रखा है ये ये हम तो ख़ैर कराची में रहते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारे मामला हैं। लेकिन आपके घर के छत के ऊपर किचन गार्डन आपकी छत के ऊपर हो वाह क्या बात है कि इसको हम मजीद समझते हैं किसी ने अगर इम्प्रेस होने के बाद ये इनिशियट करना ही हो अपने घर में तो छत पर लॉन में तो क्या करें वी हैव uh, मजीद uh, साहब अस सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आ, हम हम कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं और देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि छत है मुझे वाकई ही लॉन लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि कितनी जगह आपके पास है और हमने ज़्यादा जो मनाजे देखे हैं वो तो फूलों फूल के देखे हैं टमाटर देखे हैं तो जरा बताएगा कितनी जगह पर फूल लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर सब्जी और कौन कौन सी सब्जी जी सलाकुम जी वाल जी जनाब ये पांच बल्ले की छाते इसका फ्रंट वाला हिस्सा मैंने ये एक पार्क बनाया है बकायदा इसका डिजाइन और कौन कौन सी डिजाइन किया बकायदा मैंने पहले इसको चिपस किया चिपस के बाद मैंने इसे लुक लगाई पोलोथीन लगाये सब्जियां मेरे पास बेंगल लगे मौसमी सब्जी आता है जब भिंडी आती है या घिया आता है या मतलब उसे क्या कहते हैं टमाटर होते हैं माशाल्लाह उसके बाद घिया कुद्दू लगते हैं घिया तोड़ी लगती है मौसम के तो बेंगल लगे हुए थे मेरे पास लंबे वाले भी गोल वाले भी तो उसके बाद हर मौसम के साथ मतलब लेकिन मैं सब्जी पर ही रहता हूँ ये सब्जियां आपके किचन में ही जाती है या रिश्तेदारों और अच्छा अच्छा जी जी सबकी मौजें लगी हुई है और ये भी बताइएगा की ये रिश्तेदार में बेटी लेकर जाती नहीं नहीं तबदील है बहन लेकर जाती है हाँ जी सर ये भी बताए ना आप हमें आ, कितना आऊ मैं आपकी छत पे आऊं आके बैठ जाऊं बहुत देर बैठी रहूं बातें बातें बाते करती रहू ये तो बड़ा आसान है करने में ना एंजॉय करेंगे मेहनत कितनी लगती है सब में ये बताइए जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं मोस्ट वेलकम जब चाहे आप आए स्वीट ऑफ जबरदस्त सर मुझे ये बताएंगे आज कल जहर एक और मामला है जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान है वो है टिड्डी दल का मामला वो आती है फसलें चट कर जाती है तो आपने छत पर क्या इंतजाम कर रखा है जी, कैसे जी, जी। बचाएंगे अगर खुदा ना खास था टिड्डी दल आ गई छत में जब मैं देखता बड़ा डर लगता है मुझे बहुत <laughs> 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 डर लगता है कि कहीं इधर आ गई तो क्या करूं मैं स्प्रे वगैरह करता रहता हूँ स्प्रे की बोतलें रखी हुई हैं तो जब भी तो <laughs> <ये बात है। laughs> अल्लाज नहीं नहीं मैं अल्लाहिज नहीं कह रहा मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे अगर आगी आगी तो करेंगे? करेंगे? वैसे अच्छा। मैंने सुना है की अगर थोड़ी सी आग लगा दी जाए धुआं हो तो उससे भाग जाती है स्प्रे करेंगे जी जी बिल्कुल ठीक है उसके बाद नहीं तो खाने अरबी जैसे खाने शुरू कर देंगे फिर <laughs> <laughs> ऐसे तो तो ना करें ठीक है प्रोटीन ए, तो है प्रोटीन <laughs> अच्छा देखिए उमूमन होता यह कि लोग अगर, अगर अपने घर के आसपास कहीं ग्रीनरी का एहतमाम करते हैं तो वो वहाँ पर, पर परिंदे आए तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं जी आपने जी भी कुछ ऐसा करके रखा है जी जी

हाँ, हाँ जी।, जी, जी, जी वो नमाज पढ़ने के बाद जैसे थोड़ा सा पौधों के साथ पानी देना गोडी करना चीजें करनी घास पत्ते उठाने उससे बंदा बड़ा एक्टिव होता है और आंखों को ठंडक महसूस होती है बकायदा देखा जाए तो क्या मॉर्निंग वॉक मैं यहीं कर लेता तो करनी पड़ती आपको तो वैसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है इतना खूबसूरत लॉन आपकी छत पर है मैं तो हैरान हूँ की छत पर मैंने ये तो देखा था गमले में आ, या इस तरह सब्जियां और पौधे लगे हों या फूल लगे हों लेकिन इस तरह की ग्रास मैंने नहीं देखी पहले किरण छत पे तो ये ये जो श्वेप कह रहे हैं ना जरा इसको बताइएगा आपको नहीं घर में लगाकर दिखाते कहीं कारपेट तो नहीं <laughs> नहीं सर ये बता दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है लोग कहते हैं कि भाई अगर हम ऊपर ज्यादा पानी डालेंगे या ज्यादा कुछ इस तरह का इत्माम करेंगे छत कमजोर हो जाएगी इस बारे में बताएं नहीं नहीं वो वाटर प्रूफ बनाया हुआ है इसे बकायदा चिप्स करने के बाद लुक, लुक लगाया लगा प्लास्टिक लगाया फिर मिट्टी डली फिर साइडों पर हमने एक बकायदा लुक की लहर दी हुई है जिससे पानी साइडों पर ना जाए अच्छा तो आपके okay. इस लोन को देखने के बाद क्या okay. आपके रिश्तेदार और मोहल्लेदार भी इंस्पायर होते हैं वो भी कोशिश करते हैं या कोशिश की है कि वो भी अब इसको रेप्लिकेट करें उनके घर में आपसे हेल्प लियो कि okay. आप हमको हेल्प करें हमारे लिए भी okay. ऐसी हमारी छत भी ऐसी बना के दे okay. हाँ? आ, आप ये मीडिया में आया मीडिया में आया काफी लोगों ने मुझसे मशवरा मांगा है लेकिन ये नया घर शुरू होता है आसान बनाना पुराने घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल है तो नया पैसा लगाना पड़ता है नया घर बना तो उसकी वजह बहुत आसान है है लेकिन मेरे जितना दो सौ बीस गमला इस वक्त मेरे मैं इनकी खिदमत करता हूँ जैसे पालते दिन में पूरा वक्त लगता है यही सर्फ हो जाते हैं आपका इन्हीं की खिदमत करते करते नहीं नहीं सुबह डेढ़ घंटे सुबह सुबह एक घंटा छह बजे से सात बजे साढ़े सात बजे आठ बजे तैयारी शुरू नौ बजे ऑफिस चले जाता हूँ क्या बात तो और कोई हेल्प भी करता है घर में या सिर्फ आप ही देखते हैं संडे को आधा दिन लगता है मेरी